जनता कर्फ्यू का असर नूरपुर में भी देखने को मिला। नूरपुर और जसूर में लगभग सभी दुकानें बंद थी, सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। पंजाब से सटे कंडवाल में हिमाचल पुलिस पूरी तरह सतर्क दिखाई दी। हर आने जाने वाली गाड़ी को रोका गया और गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया गया। कुछ लोग पैदल ही अपने घरों की ओर आ रहे थे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे बेंगलोर से आए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें उतारा गया था और एयरपोर्ट पर ही उनका टेस्ट भी किया गया है। जनता कर्फ्यू के बारे में उन्होंने बताया कि जो कर्फ्यू लगा है, जो लोग दूर से आ रहे हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। बॉर्डर पर और स्कैनिंग ऑफिसर होने चाहिए, जो पॉजिटिव होगा उन्हें वापस भेज देना चाहिए और जो ठीक है उन्हें घर जाने देना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लतेश कुमार है। कहाँ से आए आप? हम बेंगलोर से हैं। तो कहाँ उतरे हैं आप इस समय? हम दिल्ली एयरपोर्ट। कोई टेस्ट वगैरह हुआ है आपका? एयरपोर्ट का स्कैनिंग हो रही है सर, तो उसमें तो ठीक ही है। उसमें तो जिसको मतलब स्कैन हो रहा है, जो ठीक है उसको जाने दे रहे हैं और जो नहीं हो रहा है उसको रोक रहे हैं ब्लड वगैरह टेस्ट के लिए। जो ये जनता कर्फ्यू लगा हुआ है इसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी जनता कर्फ्यू तो लगा है, बट जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए तो हेल्प करनी चाहिए एटलीस्ट। तो यहीं पे बॉर्डर पे भी स्कैनिंग ऑप्शन होना चाहिए ताकि जो पॉजिटिव है उसको यहीं से रेफर कर दिया जाए और जो जो मतलब ठीक है उनको जाने दिया जाए घर। तो ये फैसिलिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है इंटरस्टेड मना किया है, बट ये है कि जो आर्मी वाला भाई है और जो अपने घर आना चाहता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बड़ी वाली सिटी में मतलब पीजी वगैरह सब बंद हो गए हैं, हॉस्टल वगैरह निकाल दिए हैं, तो इमीडिएटली रूम भी नहीं मिलता है उनको। तो मतलब ये है कि फैसिलिटी तो होनी चाहिए, सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए, यहीं पे स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए इनके पास। तो खैर हमारा तो हो गया, क्योंकि हम तो भाई एयर आए हैं तो हमारा तो एयरपोर्ट पे हो गया है चेक, और फिर भी घर जाके भी करवाएंगे अपना टेस्ट, क्योंकि अब सेफ्टी फर्स्ट है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी ढेरा का रहने वाला हूँ। कहाँ से आए आप? पुणे से। छुट्टी पे आए हैं कि वैसे ही? मैं छुट्टी पे आया हूँ, फ्राइडे को भेजा है छुट्टी, आप छुट्टी जा सकते हैं। कहाँ है आपका घर? मेरा घर है पालमपुर कुमार। जो ये सरकार द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया इसके बारे में क्या है आपका? कर्फ्यू तो ठीक लगाया है, पर जो इमरजेंसी में जा रहे हैं उनके लिए होना चाहिए। एसआई दुनीचंद ने कहा कि कंडवाल बॉर्डर एरिया पर जो लोग आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है और जो लोग पैदल आ रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से पूछताछ कर उनकी चेकिंग की जा रही है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि लोग अपने घरों तक पहुंच सकें। बाहर से आदमी पैदल आ रहे हैं उनको भी हम प्रॉपरली चेक कर रहे हैं, तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादातर अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। थोड़े बहुत जो आदमी बाहर से छुट्टी छाटी आर्मी के या जवान जा रहे हैं तो उनका आधार कार्ड वगैरह या सब चेक कर रहे हैं, तभी उनको आगे भेज रहे हैं।